रुकिए युवराज, आगे रास्ता नहीं, सर्प माया का जाल है। माया का जाल? किंतु यहां तो मैं दिखाता हूं। असंभव? असंभव नहीं युवराज, यही नागलोक की माया है। मनुष्य को यहां जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं। अब आगे का रास्ता कठिन है, आगे आपको सर्प रक्षकों का सामना करना होगा। किंतु कैसे यहां? आइए। वहीं रुक जाओ पुंडरीक, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये नागलोक है। यहां मनुष्य का विचरण तो दूर, उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। कह दो इस मनुष्य से, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो अभी इसी वक्त नागलोक छोड़कर लौट जाए। अर्जुन पुत्र बबरू बाहन, नागलोक भागने के लिए नहीं आया, अपने पिता के प्राण बचाने के लिए, नागमणि लेने के लिए आया है। जाओ बचाकर अपने महाराज से कहो ये बबरू बहन निर्दोष तर्पों का रक्त नहीं बहाता। और यह भी कहना कि नागमणि के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही भेजे रणभूमि में। जवाब, हम कदापि नहीं जाएंगे। पुंडरी, आप यहीं रुकिए, यह युद्ध मेरा है, इसे मैं ही लड़ूंगा। महाराज, वो नागमणि पा चुकी, मैं भी नागमणि देना चाहता हूं, पर नागलोक के नियमों के अनुसार जब तक नाग महासभा का हर सदस्य मान नहीं जाता मैं नागमणि नहीं दे सकता। अब इस समय है धृतराष्ट्र, मान जाओ। क्या तक्षक के अलावा तुम्हें किसी की बात सुनाई नहीं देती? कदाचित मेरी नहीं पर बबुलवान की प्रतिज्ञा की गूंज भी सुनाई नहीं दे रही। तुम्हारे और तक्षक के इस हट के कारण बबुलवान के हाथों नागलोक का संहार हो जाएगा। धृतराष्ट्र, महाराज एक तुच्छ मनुष्य हमारे नागलोक में आकर हमें युद्ध की चुनौती दे रहा, मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करने की आज्ञा दे महाराज। मत भूलो धृतराष्ट्र, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो अर्जुन और चित्रांगदा नंदन बभ्रुवाहन है। आर्यवर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को परास्त किया है उसने। अर्जुन बाप था जो पुत्र के हाथों मारा गया, किंतु मैं धृतराष्ट्र हूं, काल बनकर बबरू वाहन पर बरसूंगा। ठीक है, जाओ युद्ध करो। यह क्या कह रहे हैं महाराज, युद्ध समस्या का हल नहीं है। वासुकी, अब चूंकि धृतराष्ट्र को युद्ध के सिवा कोई और उत्तर समझ ही नहीं आ रहा है,
देखो यदि मैं चाहूं तो इसी समय अर्जुन के पास नागमणि पहुंचाकर उसे पुनर्जीवित कर सकता हूं, और ना ही कोई दरबारी, ना कोई सिंहासन और ना ही कोई बंधन कुछ ऐसा करने से रोक सकता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते महाराज? क्योंकि मैं पुत्र बब्रुवाहन से उसकी कीर्ति नहीं छीनना चाहता। जो भाव धृतराष्ट्र और तक्षक के मन में उठा है, हो सकता है वही भाव नागलोक के अन्य सदस्यों के मन में भी उठे। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। जाओ धृतराष्ट्र, युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। नागलोक पर नागमणि की योग्यता को साबित करो। जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो यह धर्म संगत है और ना ही तर्क संगत। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वासुकी की तरह कायर नहीं जो रणभूमि में बाणों से बचने के लिए चतुर्वाणी की छत्र छाया में छुप जाओ। मैं अकेला ही काफी हूं। महाराज ये कैसी लीला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वासुकी अब चिंता को त्याग दो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे स्वामी नारायण श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अब जो भी कुछ हो रहा है उसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करो। अर्जुन के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हाथ भी नहीं टूटे, पिता के वध करने का इतना आघात लगा है कि भटकते भटकते सीधा अपने मृत्यु द्वार पहुंच गया। ये तो तुरंत करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मृत्यु के सामने जाता है और कौन नागमणि लेकर घर जाता है। महाराज बलि ने भगवान वामन को भी बालक ही समझा था। ये बात क्या हुआ इसका उत्तर तुझे मेरे पास जरूर देंगे। बालक ना तो तू वामन है और ना मैं बाली, तू एक कायर का पुत्र है इसने उस मायावी ग्वाले के छल की पीताम्बरी के पीछे छिपकर सारे युद्ध जीते। उसी का पुत्र है तू भी कायर ही होगा। अपनी आंखें खोल और देख, अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन अकेला खड़ा है। यदि अपने शौर्य पे इतना ही घमंड है तो ध्वन कर मुझसे। बब्रुवाहन निर्दोष सर्पों का रक्त नहीं बहाएगा, तेरे रक्त से संग्राम की समाप्ति करेगा। समाप्त तो तेरा अस्तित्व होगा।